हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी टू सक्सेस। फाइनली आपके लिए लेकर आ गई हूँ प्रीवियस ईयर जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस एनालाइज, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें सभी प्रीवियस ईयर 26 अप्रैल 2016 एग्जाम के तीनों ही सीट के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। फ्रेंड्स, ये तो आप सब लोग को पता होगा, जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है उसमें 40 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस पोर्शन से आने वाले हैं, जिसके वजह से आपका एग्जाम 70% जनरल अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को डेली फॉलो करते हो तो आप अपनी एनटीपीसी के एग्जाम को 100% क्लियर कर लोगे, क्योंकि अपने एग्जाम में आपको इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई क्वेश्चंस एनालाइज वीडियो लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर तरीके से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन, हाथी महोत्सव प्रत्येक वर्ष किस जगह पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए गोवा, बी अमृतसर, सी जयपुर, डी राजस्थान। आंसर सी जयपुर। क्वेश्चन टू, किताब अल हिंद की रचना करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए ओमार खयाम, बी जहांगीर, सी अलबरूनी, डी अकबर। आंसर सी अलबरूनी। क्वेश्चन तीन, निम्न में से किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? ऑप्शन ए हसरत मोहानी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी भगत सिंह। आंसर ए हसरत मोहानी। क्वेश्चन चार, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ऑप्शन ए वार्नर वॉन बोन, ऑप्शन बी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, सी एडवर्ड टेलर, डी शुमेल कोएन। आंसर सी एडवर्ड टेलर। क्वेश्चन पांच, हैदर अली ने आधुनिक सस्त्रागार की स्थापना किस स्थान पर की थी? ऑप्शन ए चेन्नई, बी इरोदा, सी डिंडीगुल, डी मदुराई। आंसर सी डिंडीगुल। क्वेश्चन छह, फ्लोरोसेंट ट्यूबों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए सोडियम ऑक्साइड और आर्गन, ऑप्शन बी सोडियम वेपर और न्योन, ऑप्शन सी मरकरी वेपर और आर्गन, डी मरकरी ऑक्साइड और न्योन। आंसर ए सोडियम ऑक्साइड और आर्गन। क्वेश्चन सात, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन ए घोड़ा, बी शेर, सी ऊंट, डी चील। आंसर सी ऊंट। क्वेश्चन आठ, निम्नलिखित तरंगों में से कौन सा कृत्रिम उपग्रह द्वारा संचार के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोवेव, बी रेडियो तरंगे, सी एएम, डी 101 श्रृंखला की आवृत्ति। आंसर ए माइक्रोवेव। क्वेश्चन नाइन, निम्न में से कौन सा सही नाम है जो ऋग्वेद काल के राजा का दूसरा नाम था? ऑप्शन ए गोमत, बी गोमित्र, सी गोप, डी गोपति। आंसर डी गोपति। क्वेश्चन दस, एक प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन, ए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आंसर ए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सा नामक में आयोडीन के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम आयोडाइड, बी आयोडीन, सी पोटेशियम आयोडाइड, डी सोडियम आयोडाइड। आंसर सी पोटेशियम आयोडाइड। क्वेश्चन 12, किस मुगल ने मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की थी? ऑप्शन ए आमिर अली, बी रत्नाबाई जिन्हा, सी मोहम्मद इकबाल, डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर ए आमिर अली। क्वेश्चन 13, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए फिजियान, बी इंडियन, सी चाइना, डी पाकिस्तान। आंसर ए फिजियान। क्वेश्चन 14, पहला स्तंभ बेसल द्वितीय समझौते का निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए बाजार अनुशासन, बी पर्यवेक्षी समीक्षा, सी न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकताएं, डी नियामक मध्यवस्था। आंसर सी न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकताएं। क्वेश्चन 15, हमारी हड्डियां और दांत आमतौर पर बनते हैं? ऑप्शन ए क्लोरोपेटाइट, बी हाइड्रोलिथ, सी ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट, डी फ्लोरोपेटाइट। आंसर सी ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन 16, भारत के बोटनिकल सर्वे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी दार्जिलिंग, सी कोलकाता, डी मुंबई। आंसर सी कोलकाता।
क्वेश्चन 17, किस भारतीय कवि को कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महाकवि कालिदास, सी प्रेमचंद, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 14, इनमें से किस बैंक का नियंत्रित उपक्रम में राष्ट्रीय आवास बैंक है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी भारतीय रिजर्व बैंक। आंसर बी बैंक ऑफ बड़ौदा। क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन पहले अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे? ऑप्शन ए कोफी अन्नान, बी अदमस बेकर, सी आशक्तो अन्नान, डी बेनरट अफोबी। आंसर ए कोफी अन्नान। क्वेश्चन 20, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है? ऑप्शन ए सातवें, बी तीसरे, सी आठवें, डी पहले। आंसर बी तीसरे। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हो कि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 21, इनमें से कौन सा धर्म विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म है? ऑप्शन ए ईसाई, बी मुस्लिम, सी बौद्ध, डी हिंदू। आंसर ए ईसाई। क्वेश्चन 22, एंटीजन का किसी बीमार व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए WBC बढ़ जाएगा, बी एंटीबॉडी बढ़ जाएगा, सी तापमान बढ़ जाएगा, डी बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी। आंसर बी एंटीबॉडी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन 23, किस वर्ष में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में बैठी? ऑप्शन ए 1977, बी 1979, सी 1996, डी 1993। आंसर ए 1977। क्वेश्चन 24, जर्मनी के किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी पोलैंड, सी भारत, डी उत्तर कोरिया। आंसर बी पोलैंड। क्वेश्चन 25, किसने सेक्स हार्मोन्स की खोज की? ऑप्शन ए ड्रेसर, बी यूनिन स्टिंग, सी एडवर्ड क्लेविन, डी सैमुअल कोहेन। आंसर बी यूजीन स्टिंग। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किस देश में प्राचीन मनुष्य से संबंधित पिल्टाडाउन मन पाया गया था? ऑप्शन ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी ग्रीनलैंड। आंसर बी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 27, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए सीधी और उल्टी, बी सीधी, सी उल्टी, डी उल्टी और सीधी। आंसर सी उल्टी। क्वेश्चन 28, निम्न में से किस वस्तु का भारत सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है? ऑप्शन ए आटा, बी दाल, सी बाजरा, डी चीनी। आंसर बी दाल। क्वेश्चन 29, कोटक समिति निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर कॉरपोरेट नियंत्रण, बी ग्रामीण विकास, सी निर्यात प्रोत्साहन, डी गरीब वर्ग के छात्रों की छात्र आवृत्ति से संबंधित। आंसर ए कॉरपोरेट नियंत्रण। क्वेश्चन 30, एंजाइम को ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तन कर देता है? ऑप्शन ए डाइटास, बी जाइमस, सी इन्वर्टास, डी माल्टास। आंसर बी जाइमस। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित खाद्य फसलों में से किसमें प्रोटीन अधिकतम है? ऑप्शन ए कसावा, बी सोयाबीन, सी सिप्रोलिना, डी मक्का। आंसर सी सिप्रोलिना। क्वेश्चन 32, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी पंडित मोतीलाल नेहरू। आंसर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 33, वर्तमान में कौन सा भारत का सबसे बड़ा मंदिर है? ए मीनाक्षी अम्मन मंदिर, बी उच्छित पिल्लायर मंदिर, सी रंगनाथ स्वामी मंदिर, डी त्रिपति बालाजी मंदिर। आंसर सी रंगनाथ स्वामी मंदिर। क्वेश्चन 34, भारतीय प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ मुख्य विपक्षी उम्मीदवार का नाम क्या है? ऑप्शन ए केटी शाह, बी एनएन दास, सी सीएच राम, डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आंसर ए केटी शाह। क्वेश्चन 35, यदि केसिका का व्यास दोगुना हो जाता है तो उसमें पानी चढ़ेगा? ऑप्शन ए दोगुना, बी आधा, सी चारगुना, डी कोई परिवर्तन नहीं। आंसर बी आधा। क्वेश्चन 36,
बनी बनी ठनी पेंटिंग शैली भारत के किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन ए विजयगढ़, बी किशनगढ़, सी विजयपुर, डी हिमेशगढ़। आंसर बी किशनगढ़। क्वेश्चन 37, इनमें से किस शासक ने भूमाप के लिए सिकंदरी गज शुरू किया था? ऑप्शन ए अकबर, बी सिकंदर लोदी, सी टीपू सुल्तान, डी पृथ्वीराज चौहान। आंसर बी सिकंदर लोदी। क्वेश्चन 38, इनमें से किस खेल में विल्स ट्रॉफी दी जाती है? ऑप्शन ए गोल्फ, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी क्रिकेट। आंसर डी क्रिकेट। क्वेश्चन 39, इनमें से कितने वर्ष के अंतराल में विश्व शतरंज चैंपियनशिप होती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 4 वर्ष। आंसर सी 2 वर्ष। क्वेश्चन 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी पंडित मोतीलाल नेहरू। आंसर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको बता दूं, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को डेली फॉलो करते हो तो आप अपने एग्जाम में 100% सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आपको अपने एग्जाम में इस बार एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।